So good evening, everyone. Namaskar, and Happy New Year. It's the first webinar of the year for us. So I think it's important for us to recognize that. Umeed hai everybody is feeling good today and enjoying winter. It's a good thing ke hum apne aap ki apne bimari ki jankari prapt karne ke liye hum aaye hain aaj yahan. और हमारे साथ दो वरिष्ठ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, वेरी सीनियर डॉक्टर्स. इनका इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं पेशेंट्स एंगेज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं. हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पिछले 6 साल से लोगों को क्रॉनिक कंडीशंस के बारे में जानकारी देते आए हैं. पिछले 1 साल से हिंदी में भी हमारा कॉन्टेंट बढ़ गया है. हम लोगों के अनुभवों पर भी जोर देते हैं और मेडिकल इंफॉर्मेशन भी देते हैं. तो हमारे वेबसाइट पे आप ये सब देखेंगे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देखेंगे. आज हम डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में बात करने आए हैं. इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है. और हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर समीर तवाकले, जो सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल नोएडा में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं. एंड वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर अमित गुप्ता, जो सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट सेंटर ऑफ फॉर डायबिटीज केयर नोएडा. आज का एजेंडा विल टॉक अबाउट डायबिटिक किडनी डिजीज. इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं, इनके जोखिम कारक क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटिक किडनी डिजीज, इसका क्या संबंध है एक दूसरे से और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अनीमिया जिसका असर जो किडनी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन है और इसे कैसे मैनेज किया जाए. और आजकल खासकर स्टेरॉइड्स का भी देखा गया है कि स्टेरॉइड्स की वजह से डायबिटीज बढ़ता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और वैक्सीन्स के बारे में भी बात करेंगे. जस्ट अ रिमाइंडर टू एवरीबडी, ये जो इंफॉर्मेशन है दिस डज नॉट रिप्लेस अ मेडिकल पर्सनल कंसल्टेशन. सो फॉर स्पेसिफिक मेडिकल इश्यूज, जो आपके निजी मेडिकल इश्यूज हैं, उनके लिए आप डॉक्टर से अलग से संपर्क करें. ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, सो इफ यू आर लॉग्ड इनटू ज़ूम यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन द Q&A बटन दैट यू सी. And if you're on Facebook, you can post your questions on the live feed. And as always, अगर आपको कोई question है या कुछ experience share करना है तो आप editor@patientsengage.com पे कर सकते हैं और हमारी website और social media पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं. And so we'll get started. And I'm Aparna Mittal. I'm the founder of Patients Engage and I'm the moderator for this session. So let me stop the share and let's get going. So thank you, Dr. Tavakle and Dr. Gupta for joining us today. Let us start with diabetic kidney disease. Kya hota hai, Dr. Samir? If you can start with that. First of all, a happy new year to everybody. I hope this new year brings in a lot of health, happiness, and more stability in everybody's life. And thanks, Aparna ma'am, for giving me an opportunity to be connected with the patients via this patient engage program. First of all, I would begin by congratulating Dr. Amit, since he has been recently appointed as advisor to the American Diabetic Association, American Board. So that's a great achievement. And all as Indians are extremely proud of what he has done for our country. That's a great achievement, Dr. Amit. Thank you, sir. Thank you so much. Congratulations, Dr. Thank you, Banaji. Yeah. So, first, your question regarding diabetic kidney disease. जो sugar है हमारी, वो काफी सारे जो हमारे body के organs होते हैं, जैसे कि eyes, brain, heart, nerves, blood vessels, उसी तरह से वो हमारी kidneys को भी affect करती है. किडनीज में जो छोटी छोटी जो धमनियां होती हैं, जो माइक्रो वेसल्स होती हैं, उनमें वो इफेक्ट करती हैं डायबिटीज की वजह से. वो उसमें स्क्लेरोसिस हो जाता है और उसकी वजह से किडनी जो है वो प्रोटीन छानना शुरू कर देती है. प्रोटीन छानने की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे जो है किडनी में एक जो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस,
उसमें डैमेज होने लगता है, और उसमें एक चीज होती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करने लगता है, और उसकी वजह से जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, और उसके चलते ही जो किडनी यूरिया क्रिएटिन फिल्टर आउट करती है वो नहीं कर पाती। जब वो होता है तो उसके साथ साथ बाकी के बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी इफेक्ट होते हैं, उसमें सोडियम कम होना, पोटेशियम बढ़ जाना, कैल्शियम कम हो जाना, फॉस्फोरस बढ़ना, और उसके साथ साथ जो बाकी जो हमारे किडनी के फंक्शन होते हैं जिसको एसिड बेस मेंटेनेंस में जो उसका काम होता है वो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और साथ के साथ जो एक और प्रक्रिया होती है किडनी की, एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन जिससे वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, उसकी कमी होने की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप होने लगता है। तो ये एक काफी लंबी प्रक्रिया है। इमिजिएटली डायबिटीज जैसे शुरू हुई एकदम वैसे ही नहीं शुरू होती है, वो कुछ पर्टिकुलर समय लेती है, लगभग 5 से 7 साल का समय लेती है जब वो धीरे धीरे किडनी जो है डायबिटीज की वजह से प्रभावित होती है। नॉर्मली इसमें कोई लक्षण नहीं होता, अर्ली स्टेजेस में कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है, और बहुत लेटर स्टेजेस में जाके इसके बारे में पता लगता है। जी, और ज्यादातर लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज तो समझते हैं, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायबिटिक किडनी डिजीज में क्या फर्क है? क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। क्रॉनिक किडनी डिजीज कई कारणों से होती है जिसमें सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 40% जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है वो डायबिटीज की वजह से होती है, बाकी अराउंड 20 से 30% ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, 15 से 20% लगभग एक चीज होती है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसकी वजह से होती है, और बाकी जो कंडीशंस हैं वो कई बार अलग अलग चीजों की वजह से, जैसे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई, कई अदर और बीमारियां होती हैं, वैस्कुलाइटिस वगैरह, और अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% में कई बार कारण नहीं पता लगता। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अलग अलग कारण हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख कारण डायबिटीज ही है, और इंडिया जिसमें जाके सबसे ज्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन है उसी की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो इंटेंसिटी और सिवियरिटी, इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो भी काफी ज्यादा है हमारे देश में। जी, और क्या ये जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो वो डायबिटिक किडनी डिजीज में डेवलप होगा, या उसके कुछ अलग फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स भी हैं? नॉट ऑल डायबिटिक्स विल डेवलप अ डायबिटिक किडनी डिजीज। लगभग 40% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटिक किडनी डिजीज, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, लगभग 40% लोगों में ही होता है। इसमें से जो मुख्य जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन लोगों में इसके ज्यादा होने की संभावना है वो डिपेंड करता है, एक तो नंबर, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। अगर काफी लंबे समय की डायबिटीज है, 5 से 10 साल जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं डेवलप होने के। दूसरी चीज ये होती है कि आपका डायबिटिक कंट्रोल कैसा है। अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो वो किडनीज को ज्यादा डैमेज करेगी। दूसरी चीज जनरली मेल्स में ज्यादा कॉमन मिलता है, ये स्मोकर्स में ज्यादा होता है, ओबेसिटी जो ओबीज मोटे लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है, या जो कोई अपना एक्सरसाइज कम करते हैं, जिनके लिपिड प्रोफाइल्स में गड़बड़ होती है, जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर किसी की फैमिली में डायबिटिक किडनी डिजीज की इंसिडेंस है तो उस पर्टिकुलर पर्सन में उसको होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटिक किडनी डिजीज है और आपको डायबिटीज है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर उसके अलावा से कई चीजें होती हैं, जैसे कि कई तरह की दवाइयां होती हैं, कई तरह के डाइज वगैरह होते हैं जो कि इसको और जल्दी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। डॉक्टर समीर, क्योंकि डायबिटीज सबसे प्रमुख कारण है डायबिटिक किडनी डिजीज का, उसके क्या लक्षण हैं जो लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, कैसे वो मैनेज करें? सॉरी, डॉक्टर गुप्ता के लिए था ये।
Thank you, Aparna ji. And you have taken a very, very good initiative. I think education holds the key to the success in the management of the chronic, any chronic disease. So agar aapke patients ko koi bhi chronic disease hai, chahe wo diabetes hai, hypertension hai, dyslipidemia hai, chronic kidney disease hai, अगर आपके पेशेंट्स एजुकेटेड नहीं है या वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनको कहीं ना कहीं जाकर के ये डिजीज हर्ट करेंगी लॉन्ग रन में. तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है और आजकल विद्दी ये कोरोना के कारण से बहुत लोगों को ये एक्सेप्टेंस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है जी. तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन. आपने पूछा कि डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डायबिटीज कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि डायबिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद क्रोनिक किडनी डिजीज को भी रोक पाएंगे हम 40% केसेस में. तो डायबिटीज देखिए हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज में जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं और अक्सर हम उन लोगों को उन सिम्टम्स को गलत ढंग से समझने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज के पेशेंट्स को प्यास ज्यादा लगती है. जब प्यास ज्यादा लगती है तो पेशेंट सोचते हैं कि मैं पानी बहुत ज्यादा पी रहा हूँ, तो पानी ज्यादा पीना अच्छी बात है, तो दे डोंट रियलाइज दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ डिजीज. वो फोर्सिबली दे आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर वाटर. सो एट टाइम्स दे डू नॉट इवन रियलाइज कि पानी ज्यादा पी नहीं रहे हैं, वो हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से उनकी बॉडी पानी ज्यादा डिमांड कर रही है. जी. फिर दूसरा डायबिटीज का लक्षण होता है यूरिन ज्यादा आना. रात उनको दिन में कई बार यूरिन जाना पड़ता है और अक्सर रात में भी यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है. अगेन यहाँ पे मिसकंसेप्शन क्या आ जाता है, क्योंकि मैं पानी ज्यादा पीता हूँ तो मैं यूरिनेट ज्यादा फ्रीक्वेंटली करता हूँ, तो डॉक्टर साहब ये तो कॉमन है. तो वहां पे ये समझने की जरूरत है कि हमें पानी ज्यादा क्यों पीना पड़ रहा है, हमें ज्यादा यूरिन बार बार जबरदस्ती, ऑल दिस इज हैपनिंग अगेन अगेन. डायबिटीज इज ए स्टेट जहां पे पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है. तो ये वैसी एक स्थिति है कि आप समुद्र के बीच में खड़े हैं, आसपास आपका पानी बहुत सारा है लेकिन आप पी नहीं सकते. तो ऐसे ही डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या होता है कि ब्रेन हमारा जो है उसको सेटाइटी नहीं होती, वो हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से, लेकिन ब्रेन को ये लगता है कि अभी भी कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए. तो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन पेशेंट खाता भी बहुत अच्छा है. तो तीनों जो सिम्टम्स हैं वो एक हेल्थ की तरफ इशारा करने लगते हैं. पेशेंट को लगता है देखो मैं कितना अच्छा खाना खा रहा हूँ, आई एम हैप्पी. पेशेंट को लगता है मैं पानी खूब सारा पी रहा हूँ, तो अगेन बहुत अच्छी बात है. यूरिन बहुत ज्यादा जा रहा हूँ, ये भी एक अच्छी बात है. मेरी किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्यास बहुत अच्छी लग रही है, खाना तो मैं बीमार तो हो नहीं सकता हूँ. बट फिर वजन कम होने लगता है. तो चौथा सिम्टम है वजन कम होना. तो अक्सर शुरुआत के 4-5 kg जब कम होते हैं तो फिर हम अपने आप को शाबाशी देने लगते हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ, देखो मैं एक्सरसाइज करना शुरू करा है, जिम जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. तो अल्टीमेटली चारों सिम्टम्स आप इग्नोर करते चले जाते हो बाय द टाइम जब तक कि वो आपको हर्ट नहीं करते. या तो आपका 10-12 kg वेट निकल गया, अचानक से किसी ने बोला कि एकदम से दुबले पतले हो गए, भैया शुगर चेक कर लो, कोई इन्फेक्शन हो गए तो आपको पता चला यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, जेनाइटल इन्फेक्शन बड़े कॉमन है. तो इस तरीके से अक्सर लोगों को पता चलता है कि हाँ मुझे डायबिटीज हो गई है. तो डायबिटीज के सिम्टम्स में ही अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिन जाना पड़ रहा है, खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, वजन बिना कुछ करे कम हो रहा है, तो आई थिंक दे शुड गो फॉर टेस्टिंग फॉर डायबिटीज. उनको डायबिटीज के लिए टेस्ट करना चाहिए. राइट, थैंक यू. और अगर जैसे ज्यादातर लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है हमारे यहाँ खासकर इंडिया में, तो उन्हें क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट डायबिटिक किडनी डिजीज? देखिए जैसे कि डॉक्टर समीर सर ने भी बताया कि डायबिटिक किडनी डिजीज इट डज नॉट हैपन इन अ डे, एक या दो दिन में ऐसा नहीं कि डायबिटिक किडनी डिजीज हो जाएगी. लेकिन अगर हमारा शुगर का कंट्रोल या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें आने वाले समय में डायबिटिक किडनी डिजीज हो सकती है. तो सबसे पहले इनको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है. जो टारगेट्स हैं आपके डॉक्टर्स ने आपके हिसाब से डिसाइड किए गए हैं, आपकी क्रॉनिक कंडीशंस को देखते हुए, आपकी कॉमोबिलिटीज को देखते हुए, तो आप उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करिए. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए. अगर आपका शुगर अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पूरी लाइफ डायबिटिक किडनी डिजीज को अवॉइड कर पाएंगे. जी. और आजकल लोग और कई बार देखा है, अक्सर देखा है कि लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को तो मॉनिटर करते हैं डायबिटीज में, बट उनका ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करते हैं, कई बार उसको निग्लेक्ट करते हैं. तो उसका क्या असर पड़ता है? एंड दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू, डायबिटीज पर भी और जिनको किडनी डिजीज है उन पे भी. देखिए मैं डायबिटीज में आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी भी लेस देन 2% ऑफ द पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में वो अपनी ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं.
और बहुत सारे अगेन इसके साथ एक मिथ और मिसकंसेप्शन क्या है कि जब मेरा शुगर बढ़ेगा तो मुझे पता लग जाएगा, माय बॉडी विल टेल मी, या मेरा शुगर लो होगा तो मुझे पता लग जाएगा. तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहता हूँ वो ये है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, ये तीन बीमारियां ऐसी हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से ना जांची जाती है, ना डायग्नोज होती है, ना ही ट्रीट होती है. इनके लिए नंबर्स जरूरी है. तो नंबर्स कब मिलेगा? जब हम मॉनिटर करेंगे जी. तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो मुझे पता लग जाएगा. तो अनलेस एंड अंटिल यू मॉनिटर, तो जब तक हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा. तो ये बहुत जरूरी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे वो कोलेस्ट्रोल है. तो इनका ट्रीटमेंट नंबर के हिसाब से होता है. तो नंबर जांच, नंबर बिना जांचे नहीं मिलेगा. जी. और एक मिथ ये रहता है बहुत सारे लोगों को कि डॉक्टर्स वाले इंस्ट्रूमेंट से तो हम घर पे चेक नहीं कर सकते, और जो डिजिटल मॉनिटर है वो सही नहीं बताते. तो उन ये समझना पड़ेगा कि आजकल हम लोग भी डिजिटल मॉनिटर से यूज करते हैं, क्योंकि जो एरर्स है वो डिजिटल मॉनिटर से कम है. जो ह्यूमन एरर्स हैं वो मैनुअल चेकिंग में ज्यादा आ सकते हैं बजाय वो डिजिटल मॉनिटरिंग के. जी जी हाँ, ये कई बार आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार हम ये, जब भी हम ये लोगों को बोलते हैं कि आप मॉनिटर करिए अपने आप, तो लोग यही बोलते हैं कि डिजिटल मॉनिटर्स में गलत रीडिंग्स आते हैं, तो उसका क्या फायदा. और कई बार डॉक्टर भी उनको यही बोल देते हैं कि मत करिए. तो आप कैसे सिलेक्ट करना चाहिए लोगों को मॉनिटर्स भी? देखिए, मॉनिटर्स के सिलेक्शन में जितने भी मॉनिटर्स हैं दे आर नाउ स्टैंडर्डाइज्ड. बहुत सारे मॉनिटर्स FDA अप्रूव्ड हैं, बहुत सारे मॉनिटर्स जो हैं दे आर अप्रूव्ड बाय मेनी इंस्टीट्यूट्स. सो हमें इस तरह के अप्रूव्ड मॉनिटर मॉनिटर्स के साथ जाना चाहिए. उनमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हो सकते हैं, वो आपके यूज के लिए, जरूरी नहीं कि आपको उन एडिशनल फीचर्स के लिए जाना पड़े. लेकिन बहुत सारे जितने भी मॉनिटर्स हैं दे आर क्वाइट एक्यूरेट. उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए दे आर अदर प्रोसीजर्स कि उनको कैसे बीच बीच में कैलिब्रेट करना पड़ता है. तो जिस भी मेक का मॉनिटर लेते हैं उसके कैलिब्रेशन के प्रोसेसेस होते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन सब चीजें अवेलेबल हैं. लेकिन मॉनिटरिंग इज मतलब मॉनिटरिंग इज द की. अगर मॉनिटर नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, या हमारी मेडिसिन से हम कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. राइट. और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनमें भी होम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज अगर क्लिनिक में किसी का बीपी आज हाई आ जाए फर्स्ट टाइम, तो आई डू नॉट राइट हाइपरटेंशन की मेडिकेशन हम डे वन से स्टार्ट नहीं करते. हम कहते हैं आप घर में अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में एक बार बीपी चेक करिए. करेक्ट करेक्ट. डॉक्टर समीर, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर समीर टू थ्रो मोर लाइट ऑन दिस. या नहीं, आई थिंक बिल्कुल ये बहुत वैलिड पॉइंट लिया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जिसे मॉनिटरिंग होती है, इवन जो डायबिटिक पेशेंट है या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो अपनी मॉनिटरिंग घर पे नहीं करते, और वो डॉक्टर के पास आने से पहले एक दिन पहले अपना फास्टिंग और पीपी शुगर करा के ले आते हैं कि साहब मेरा फास्टिंग 90 आ रहा है, मेरा पीपी 150 आ रहा है, मेरी तो शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल में है. लेकिन जब हम फिर उनका इवैल्यूएशन कराते हैं HbA1c जो कि एक एवरेज दिखाता है लास्ट 3 मंथ्स का, उसमें पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ावा आ रहा है. सो दे आर हैविंग अनकंट्रोल्ड शुगर्स, बट वो कुछ एक पर्टिकुलर, मेरे ख्याल से जैसे उनको ये होता है एक्सपेक्टेड कि भाई हमारे को एक हफ्ते बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो वो थोड़ा सा अपनी डायटरी मॉडिफिकेशन शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा अपने आप को टाइट कर लेते हैं ताकि उनकी शुगर्स ठीक आए. और वो हमारे पास जब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं तो उनके शुगर लेवल्स कहते हैं कि जी हमारे तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, हमारे तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है. सिमिलरली ब्लड प्रेशर का भी यही होता है कि वो घर पे चेक करते नहीं है, जब एक बार हमारे पास आते हैं तो हॉस्पिटल में आके वैसे एक एंटिटी होती है विच इज नोन एज व्हाइट कॉलर व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, तो उसमें वो थोड़ा सा बढ़ावा आता है. तो लाइक डॉक्टर अमित सेठ की, अगर फर्स्ट टाइम अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई आता है तो वी नेवर स्टार्ट देम ऑन एनी एंटी हाइपरटेंसिव्स, वी ऑलवेज आस्क देम टू मॉनिटर कि घर पे जाके अपना अपने बेसल कंडीशंस में अब अपना ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करिए. और उनको ये बोला जाता है कि अपने HbA1c को रेगुलर 3 मंथ्स पे आप अपना शुगर कंट्रोल करते रहिए. अगर HbA1c टारगेट में है, इट्स अ फेयरली वेल कंट्रोल्ड शुगर्स. अगर ब्लड प्रेशर घर पे ठीक आ रहे हैं देन दे आर फेयरली वेल कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर. So, ये दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं प्रिवेंशन के लिए कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने की, चाहे वो डायबिटिक किडनी डिजीज हो या कोई भी अदर रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, इवन चांसेस ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स, वो सबको कंट्रोल करने के लिए ये तीन चीजें जैसे लाइक डॉक्टर अमित सेड, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल शुड बी अंडर कंट्रोल. सर इसमें ना एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा. जैसा आपने बताया कि कई बार पेशेंट अलर्ट कॉन्शियस हो जाते हैं एंड द रीडिंग्स आर गुड, अपोजिट इज इक्वली ट्रू. दवाइयां खत्म हो जाती हैं, 2-3 दिन से दवाइयां नहीं ली
ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट क्लिनिक पे आ जाते हैं, उस दिन हम चेक करते हैं तो बीपी भी बढ़ा हुआ आता है, शुगर भी बढ़ा हुआ खत्म हो गई थी, और हम ये समझाने में उनको ये समझाना पड़ता है कि नहीं आपको ये दवाइयां बंद नहीं करनी है, क्योंकि हम कोई भी क्लिनिकल डिसीजन जब तक आप दवाइयां नहीं ले रहे हैं तो नहीं ले पाएंगे, ना ही चाहे वो दवाइयां कम करना है चाहे बढ़ाना है। तो जितने भी लोग हमारे यहाँ सुन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दवाइयों का 5-7 दिन का स्टॉक अपने पास एक्स्ट्रा रखिए, दवाइयां खत्म होने से पहले डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको रिव्यू के लिए जाना है, कभी भी दवाइयां बंद करके नहीं जाना है, तो वो हमेशा आपको गलत रीडिंग्स मिलेंगी। और जो भी हम घर में चेक करते हैं, चाहे वो बीपी चेक करें चाहे शुगर चेक करें, वो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। आजकल आप डिजिटल प्लेटफॉर्म टूल्स यूज कर सकते हो, डायरी यूज कर सकते हो, अगर हम अपने पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप हमें भेज दो किसी भी फॉर्म में, व्हाट्सएप भेज दो, फोन करके बता दो, तो एटलीस्ट वो रिकॉर्ड में चला जाता है। तो जब हम आपका 3 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं, 2 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं, तो खाली एक रीडिंग पे हम डिसीजन नहीं लेना चाहते। हमारे पास अगर एक सेट ऑफ रीडिंग्स है जिसमें 15-20 रीडिंग्स हमारे पास है, 10-12 रीडिंग्स ब्लड प्रेशर की है, तो बहुत आसानी से हम आपके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जी जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है, मेरी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आपके चांसेस भी डायबिटीज होने के बढ़ जाते हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायबिटीज को रेगुलेट करने के लिए या बचाने के लिए, वो है फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से आपको डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो फिजिकल एक्टिविटी के अलावा और कोई तरीका नहीं है जो आपको डायबिटीज से बचा पाए। तो आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से मेंटेन करना है। दूसरा, आपको क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है तो रेगुलर मॉनिटर भी करना है। कई बार आपको चांसेस, जो क्लिनिकल ट्रेंड्स में हम देखते हैं, अगर पेरेंट्स को डायबिटीज 50-55 में आई तो बच्चों को अक्सर 30-35 में आ जाती है जी। तो दिस इज वेरी कॉमनली सीन इन क्लिनिक्स, आई थिंक डॉक्टर समीर विल ऑल्सो एग्री विद मी। तो आपको 10-15 साल पहले मॉनिटर करना शुरू कर देना है। तो बल्कि रिकमेंडेशन तो ये है कि इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री तो 25 साल के बाद आप अपना शुगर डेली हर साल चेक करेंगे। जी जी। दो क्वेश्चंस रिवर्सल पर हैं, एक डायबिटीज पर है, कैन वी रिवर्स डायबिटीज टाइप 2 थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पहले वो और फिर एक डायबिटिक किडनी डिजीज पे भी क्वेश्चन है, रिवर्सिबल पॉसिबल है कि नहीं? देखिए, अगर साइंटिफिकली पॉसिबिलिटी देखी जाए तो अभी बहुत रिसेंटली एक ट्रायल पब्लिश हुआ था, डायरेक्ट ट्रायल, राइट। उसमें ये देखा गया कि अगर हम पेशेंट्स को बहुत ही कंट्रोल्ड डाइट पे रखते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड रेस्ट्रिक्टेड कैलोरीज पे रखते हैं, तो डायबिटीज का रिवर्सल भी पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल इन ईच एंड एवरी केस। तो ट्रायल्स के, क्योंकि वो सेलेक्टेड प्रोटोकॉल्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एडियरेंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बहुत कम होती है, तो प्रूवन है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें यह समझना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम डायबिटीज को रिवर्स ना भी कर पाए तो कम से कम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हम अपनी मेडिसिन को मिनिमम रख सकते हैं। तो अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, वो अच्छा जब शुगर कंट्रोल चल रहा होता है तो सब कुछ खाते रहते हैं कि अभी तो मेरा शुगर अच्छा चल रहा है, मैं सब कुछ ही खाऊं। उस दौरान वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करें, वेट लॉस करें। अगर वो ये सब करें तो हो सकता है हम डायबिटीज को, डायबिटीज की दवाइयां कम कर सके। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे हम बंद कर पाते हैं जी। तो हम इसको रेमिशन बोलते हैं, रिवर्सल तो नहीं बोलते हैं। रिवर्सल जब बोलते हैं जब किसी पेशेंट की डायबिटीज 2 साल तक उसको बिल्कुल कोई दवाई ना लेनी पड़े और बिना कुछ करे पेशेंट का शुगर HbA1c सब नॉर्मल आ रहा है, तो हम उसको रिवर्सल बोल सकते हैं। बट अदरवाइज वी कॉल इट रेमिशन, एंड रेमिशन इज वेरी कॉमन। रेमिशन कैन हैपन, आई थिंक रेमिशन हमने भी कई 2-3 केसेस अभी रिसेंटली हमारे वेबसाइट पे भी पब्लिश किए, एक्सपीरियंसेस लोगों के जो उन्होंने दवाइयां कम करी हैं, तो वो तो कई सारे हैं, बट एक ने अपनी दवाइयां बिल्कुल बंद कर दिया, बट अभी 8 ही महीने हुए हैं उसको, तो सुबह मैनेजिंग। हाँ डॉक्टर समीर, डायबिटिक किडनी डिजीज रिवर्सिबल है कि नहीं? एक तो सबसे पहले मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि किडनी डिजीज जो है, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिजीज है ये, हम इसको जैसे डॉक्टर अमित ने कहा, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसकी प्रोग्रेशन को, इसके बढ़ने की गति को हम थोड़ा धीमा कर सकते हैं बाय ऑल दीज थिंग्स लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, डायबिटीज कंट्रोल,
एंड डेफिनेटली सर्टेन ड्रग्स. बट एज आई सेड कि डायबिटीज और डायबिटिक किडनी डिजीज इट्स नॉट अ प्रोसेस जो कि एक दो दिन में हो जाता है, ये काफी लंबे समय में होता है और ये कई स्टेजेस से निकलता है, कई स्टेजेस से गुजरता है, जिस दौरान किडनीज के ऊपर ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन किडनी फंक्शंस का होता है. तो इसमें से एक जो बहुत ही अर्ली स्टेज होती है, एक बहुत ही अर्ली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया. माइक्रो एल्बुमिनूरिया इज द फर्स्ट स्टेज. जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके फिल्टर्स में प्रॉब्लम होने की वजह से, माइक्रो वेसल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से प्रोटीन्स फिल्टर आउट होने लगता है. तो जब ये प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है तब कई केसेस में देखा गया है कि अर्ली इंटरवेंशन और इन सब चीजों से, दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, देयर हैव बीन केसेस व्हिच हैव बीन रिवर्स्ड इन द माइक्रो एल्बुमिनुरिक स्टेज. बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ती जाती है, किडनी फंक्शंस के ऊपर असर आता जाता है, उसके बाद वो रिवर्सिबल नहीं रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है. और एक स्टेज आती है जब किडनी फंक्शंस इतने ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाते हैं कि पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. सर इसमें ना मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपने पेशेंट्स को कई बार यूज करता हूँ उनको समझाने के लिए, कि आप अपनी किडनी को ऐसे समझो जैसे कि 1000 LED बल्ब का कोई बड़ा लाइट हाउस. तो इसमें ऐसे ही एक एक करके अगर बल्ब फ्यूज होते चले जाते तो शुरुआत में आपको नहीं पता चलता क्योंकि यू गेट ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ लाइट आपको सेम, लेकिन जैसे जैसे वो 50% ऑफ हो गए तो आपको लगेगा कि रोशनी कम हो गई है. तो जैसे कि एलईडी बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है. तो जो किडनी का जो डैमेज है एक्चुअली इट इज स्ट्रक्चरल डैमेज. तो स्ट्रक्चरल डैमेज है इसलिए वो रिवर्सिबल नहीं है. तो अगर आप फ्यूज हो गया तो वंस इट इज गोन देन इट इज गोन. ट्रू अगर किसी को डायबिटिक किडनी डिजीज हो जाती है तो उसके बाद वो डायबिटीज मैनेजमेंट में कोई चेंजेस आते हैं कि डायबिटीज मैनेजमेंट इज अनचेंज्ड? डायबिटीज की अगर हम बात करें तो देखिए अपर्णा जी, डायबिटीज मैनेजमेंट में किडनी डिजीज हो जाने के बाद कुछ चेंजेस हमें ध्यान रखने पड़ते हैं. कई बार पेशेंट्स को जैसे ही किडनी डिजीज, सिग्निफिकेंट किडनी डिजीज होने लगती है तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है. तो हमें मेडिसिन्स मॉडिफाई करनी पड़ती हैं ताकि उन पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली हाइपोग्लाइसीमिया ना हो. तो ऐसे में देखा गया है कि सल्फोनाइल यूरियाज करके एक क्लास ऑफ ड्रग है जिनको हमें या तो बंद करना पड़ता है या उनकी डोजेस को बहुत सब्सटेंशियली रिड्यूस करना पड़ता है. दूसरा, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स भी सब्सटेंशियली बहुत कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया का एक रिस्क होने लगता है. दूसरा एक ये है कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जब डायबिटिक किडनी डिजीज हो गई है तो हमें उनकी डोजेस एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, है ना. तो डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो ये ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन होने लगता है. और दूसरा, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हमें वॉच करना पड़ता है तो हाइपोग्लाइसीमिया ना हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसे में दवाइयों को मॉडिफाई करना पड़ता है. दवाइयों के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर समीर विल ऑल्सो एग्री, डायबिटीज की जितनी भी दवाइयां हैं इनसे किसी से भी किडनी खराब नहीं होती है. चाहे वो, अगर वो किडनी खराब होती तो हम किसी को भी नहीं दे सकते थे, तो डायबिटीज से ही खराब होने दें, दवाइयों से क्यों खराब करें किसी की किडनी. तो डायबिटीज की कोई भी दवाई हो उससे किडनी खराब नहीं होती है, लेकिन अगर डायबिटिक किडनी डिजीज हो गई तो हमें उनकी डोजेस एडजस्ट करनी पड़ती है ताकि और साइड इफेक्ट्स ना हो. क्योंकि किडनी अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो कुछ और साइड इफेक्ट सामने आने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन से किडनी खराब नहीं होती है लेकिन अगर EGFR हमारा जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अगर लेस देन 30 हो जाए तो हमें मेटफॉर्मिन बंद करना पड़ता है. तो वो इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि मेटफॉर्मिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. तो वो किडनी की प्रॉब्लम होने के कारण से बढ़ी, लेकिन अक्सर लोग ये कंक्लूजन निकालते कि दवाई से किडनी खराब हो रही है. नहीं, दवाई से नहीं खराब हो रही. उस दवाई की डोज हम सिर्फ इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि आपकी किडनी को खराब होने के कारण से अब इसके एडवर्स इफेक्ट ना आए. दूसरा, एक अभी एक नया क्लास ऑफ ड्रग आया दैट इज SGLT2 इनहिबिटर्स. तो अगर जैसे कि अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज अगर मान लो पता चल रहा है EGFR अभी 50 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है और अभी पेशेंट को डायबिटिक किडनी डिजीज सेटल हो रही है, तो ये क्लास ऑफ ड्रग है जिसके यूज करने से डायबिटिक किडनी डिजीज में कुछ इंप्रूवमेंट देखा गया है. तो इसमें 10-15% तक भी EGFR इंप्रूव हो जाता है ऐसा देखा गया है इस क्लास ऑफ ड्रग से. तो हमें कई बार ये भी देखना पड़ता है कि क्या आप उस ड्रग के लिए आइडियल कैंडिडेट हो या नहीं. अगर आप हैं तो हो सकता है हम उसको कुछ हद तक आपकी किडनी को डिजीज को प्रोग्रेस से रोक सके और कुछ हद तक रिवर्स भी कर सके, लेकिन नॉट टू ए ऐसा नहीं कि EGFR बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा.
डॉक्टर समीर आपको कुछ ऐड करना है इसमें? एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि कई बार जैसे डायबिटिक किडनी डिजीज या डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जब शुरू होती हैं तो वी रिकमेंड कि जो कई पेशेंट्स जो ओएचएस पे होते हैं, जो ओरल दवाइयों पे होते हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप इंसुलिन पे स्विच ओवर कर जाइए. वो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं साहब हमारी तो शुगर तो अच्छी खासी आ रही है, हम क्यों इंसुलिन पे शिफ्ट हो, हमारी तो दवाई से ही कंट्रोल हो रही है. So, I think a diabetologist, Dr. Amit will also agree to the fact कि अगर हम ऐसे cases में अगर हम उनको insulin पे shift करें तो एक तो उनका sugar control तो better होता ही है, दूसरा hypoglycemic episodes भी कम होते हैं और जो further diabetes related complications हैं, जैसे मैंने वो ही बताया कि retinopathy eyes के ऊपर effect, kidney के ऊपर effect और neuropathy nerves के ऊपर effect, उसका भी जो damaging effect और जो progression है वो slow हो सकती है. यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी कम आ जाती है और सिंपल वंस ए डे बेसल इंसुलिन देने से भी कई बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट का शुगर जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया है. और DPP-4 इनहिबिटर्स जो क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसमें सीटाग्लिप्टन, विल्डाग्लिप्टन, लीनाग्लिप्टन, सो ऑल दीज ड्रग्स आर वेरी सेफ, तो इंसुलिन के साथ हम ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स को कंबाइन करके काफी अच्छा कई बार हम डायबिटीज मैनेज कर सकते हैं. थैंक यू. जिनको किडनी डिजीज है वो कई बार डायलिसिस पे भी होते हैं, तो डायलिसिस का भी असर पड़ता है ना ब्लड शुगर लेवल्स पर और ब्लड प्रेशर लेवल्स पे भी, तो वो कैसे मैनेज करना चाहिए लोगों को, डॉक्टर समीर? जब पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस देयर इज अ चांस कि हमारी ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप होते हैं. इसीलिए जो हमारा जो एक जो डायलिसिस फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडीज के कई टॉक्सिन्स को निकालता है और कई जो एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रिप्लेनिश करता है, उसमें डेक्सट्रोज इज एन एसेंशियल पार्ट. बिकॉज ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड शुगर्स लो होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम सर्कमवेंट करते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं बाय एडिंग डेक्सट्रोज into the solution जो dialysate fluid होता है. और हम hypoglycemia ना हो इसके लिए हम बीच बीच में dialysis के दौरान एक या दो बार blood sugars भी check करते हैं. दूसरा question आता है regarding the blood pressure. Blood pressure के chances रहते हैं drop होने के उस condition में जबकि body में हम फ्लूइड डायलिसिस के दौरान फ्लूइड निकालते हैं, अगर excess fluid, अगर ज्यादा मात्रा में वो fluid निकल जाए बॉडी में जितना फ्लूइड है उससे हम बॉडी को डिहाइड्रेट कर दें तब ब्लड प्रेशर्स ड्रॉप होते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर्स बढ़ भी जाते हैं, तो वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब पेशेंट के शरीर में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है या उनका ब्लड प्रेशर्स अनकंट्रोल्ड रहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे को ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस को भी इंक्रीज करना पड़ता है. Okay, thank you. Let us move on to anemia. Anemia or kidney disease ka aap linkage samjha sakte hain logon ke liye taki wo, you know, we understand the importance of understanding this. Right. Like I said, kidney ke teen essential kaam hote hain. Ek to urine banana, dusra body ke electrolytes ko maintain karna, acid base ko maintain karna. और तीसरी चीज एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जिसको वो सिक्रेट करते हैं फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. तो जब किडनीज इफेक्ट होती हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होने लगते हैं और जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम एनीमिया कहते हैं. सो नॉर्मली ये जो एनीमिया होता है किडनी डिजीज में एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी की वजह से तो होता ही होता है. दूसरी चीज कई पेशेंट्स में मैल अब्सॉर्प्शन होता है, दे आर अनएबल टू अब्सॉर्ब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. तीसरी चीज होती है आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज ओरल आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, सो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है. दूसरी चीज यूरेमिया यानी जो किडनी डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं जिसमें भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, उसकी वजह से इनटेक कम हो जाता है. तो ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर कई चीजें होती हैं जो और बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म की वजह से जिसको हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहते हैं उसकी वजह से भी एनीमिया होता है. सो उसका जो ट्रीटमेंट है दैट यू इंक्लूड्स द यूज ऑफ एक इंजेक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन.
जो बॉडी में नहीं बन रहा है उसको हम बाहर से उसको हम सप्लीमेंट देते हैं. दूसरी चीज प्रेफरेबली हम लोग इंट्रावीनस आयरन देते हैं बिकॉज ओरल आयरन जैसे मैंने आपको बताया वो अब्सॉर्ब कम होती है. उसके साथ साथ बाकी चीजें जैसे विटामिन B12 फोलिक एसिड वगैरह का भी रिप्लेसमेंट हमारे को देना पड़ता है. तो एनीमिया नॉर्मली जो है Stage 2 या Stage 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज में शुरू हो जाता है. जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें एस्टिमेटेड GFR व्हेन इट फॉल्स बिलो 60 तो एनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है. एंड बाय द टाइम पेशेंट रीचेस Stage 5 CKD अगर उसका कुछ भी इवेल्युएशन और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट 5 या 6 हीमोग्लोबिन लेकर हमारे पास आते हैं. राइट राइट. एंड एनीमिया DKD और CKD दोनों में हो सकता है, डायबिटिक किडनी डिजीज और क्रॉनिक डायबिटिक. बिल्कुल बिल्कुल. लाइक आई सेड डायबिटिक किडनी डिजीज इज वन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज. सो वो तो उसी में ही. एंड इज देयर एनी इंपैक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ? यस, डायबिटिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी यानी जो डेथ का रीजन है या बीमारी का रीजन है वो हार्ट से ही रिलेटेड है. बिकॉज यूरेमिया जो टॉक्सिन्स हैं वो भी हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं. हाई ब्लड प्रेशर भी हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है. एनीमिया भी हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है. सो डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं. अगर हाइपरटेंशन है तो वो ऑलमोस्ट और कई गुना और बढ़ा देता है. सो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट. कार्डियोवैस्कुलर इवैल्यूएशन डायबिटिक पेशेंट्स में होना बहुत जरूरी है बिकॉज ऐसे पेशेंट्स डायबिटिक्स में स्पेशली जैसे नर्व्स के ऊपर इफेक्ट है उसी तरह से हार्ट में कई बार पेन सेंसेशन फील नहीं होता है. दे हैव अ साइलेंट MI. राइट. एंड दैट कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन सच पेशेंट्स. Dr. Amit can also elaborate because he sees a lot of diabetics and CAD patients. Yes, sir, बिल्कुल. और patient को ये समझाने के लिए हम ये भी समझा सकते हैं कि अगर suppose the normal hemoglobin is 14 to 18 in males या 13 to 16 in females और अगर वो 6 या 7 रह जाए तो जो काम करने के लिए 13 या 14 बंदे चाहिए थे वो 6 से या 7 ही हैं. तो आपके heart को it has to take double the load. डबल लोड के साथ आपके हार्ट को काम करना पड़ रहा है और किडनी डिजीज ऑनसेट होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही डायबिटिक किडनी डिजीज हुआ तो शुगर की दवाइयां तो कम हो जाती हैं जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे. ब्लड प्रेशर की दवाइयां 1, 2, 3, 4 कई बार हमें मल्टीपल सॉल्ट मल्टीपल मेडिकेशन यूज करनी पड़ती है एंड द ब्लड प्रेशर को उनके साथ भी ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर अगेन इट एड्स टू द कार्डियक प्रॉब्लम, आपकी हार्ट की डिजीज को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल साथ में हमें बिल्कुल हमेशा साथ में रहता ही है. तो बहुत सारे पेशेंट्स का एक इससे भी एक रिलेटेड सवाल है तो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि वो ये पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्या जिंदगी भर खानी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो भी खानी पड़ेगी. तो उसका एक सिंपल सा आंसर जो हम उनको दे सकते हैं वो ये कि डायबिटीज के पेशेंट्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं सिर्फ क्योंकि डायबिटीज हो गई है तो वो चिपकने वाली ज्यादा हो जाती है. तो कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा सा कम भी है तो भी वो चिपकने के चांस उसके बहुत ज्यादा है. तो जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस होती हैं वो खाली कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करती है, वो कोलेस्ट्रॉल के एडिशन को वॉल से भी नहीं होने देती है या जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल चिपक गया है ब्लड वेसल्स पे उसको वहां से रिमूव करने का भी काम करती है. तो ये कई फैक्टर्स हैं जो उसमें काम करने का. तो डायबिटीज के पेशेंट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक शायद हमारे डिस्कशन में चीज मिस हो गई थी तो मैं जस्ट वही सर भी आई थिंक सर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एलैबोरेट करें. अक्सर पेशेंट्स अपने आप टेस्ट करा लेते हैं, क्रिएटिनिन को देखते रहते हैं और लास्ट तक खुश रहते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन देखो 1.0 आ रहा है, रेंज में 1.1 दिया हुआ है तो मैं ठीक हूँ. तो क्रिएटिनिन जो है वो आपकी डायबिटिक किडनी डिजीज का सही मार्कर नहीं है. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे पेशेंट्स को बताएं, ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, तो सही मार्कर क्या है सर? राइट. ये एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर अमित ने उठाया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अर्ली स्टेजेस में यही होता है कि जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ हाइपर फिल्ट्रेशन. स्टेज ऑफ हाइपर फिल्ट्रेशन में जो है बिकॉज डायबिटिक किडनी डिजीज में थोड़ा सा इनिशियल फेजेस में किडनीज में एनलार्जमेंट आता है तो उसकी वजह से जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होती है.
तो कई बार पेशेंट्स में क्रिएटिन लेवल्स नॉर्मल रहते हैं एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी, नॉर्मल से भी कम हो जाते हैं. एग्जैक्टली कि साहब डॉक्टर मेरा पहले तो क्रिएटिन 0.9 आ रहा था, अभी तो मेरा 0.5 0.6 आ रहा है, अब तो मेरा किडनी तो और अच्छी काम कर रही है. सो दैट इज एक्चुअली वो एक ठीक बात नहीं है, बिकॉज प्रोबेबली वो एक अर्ली स्टेज है, इंडिकेटर है कि आपकी किडनीज के ऊपर डैमेज का प्रोसेस शुरू हो रहा है. और दूसरी बात ये कि क्रिएटिनिन अलग से एक बहुत अच्छा मार्कर नहीं है, क्रिएटिनिन में भी वन होगा बट उनका जो एस्टिमेटेड जीएफआर है, ईजीएफआर जिसको हम कहते हैं, वो कम होगा, बिकॉज वो हमारी एज और हमारी बॉडी वेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है. क्रिएटिनिन इज जो है हमारा वो मसल की ब्रेकडाउन से जनरेट हुआ हुआ एक टॉक्सिन है जो किडनी फिल्टर आउट करती है. अगर हमारी बॉडी में मसल मास नहीं है, हमारा वेट कम है, भले ही हमारा क्रिएटिनिन लेवल वन हो बट एस्टिमेटेड जीएफआर कम हो सकता है. हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक 40 साल का इंसान जिसका वजन 80 किलो और एक 80 साल का इंसान जिसका वजन 40 किलो, उन दोनों का क्रिएटिनिन अगर एक है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की किडनी नॉर्मल काम कर रही है, दोनों की किडनी सेम काम कर रही है, उनका जो एस्टिमेटेड जीएफआर है वो बहुत फर्क होगा. अगर उस 40 साल के इंसान जिसका वजन 80 किलो है उसका अगर एस्टिमेटेड जीएफआर 100 आ रहा है, तो उस 80 साल के इंसान का जिसका वजन 40 किलो है उसका जीएफआर लगभग 40 होगा. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिर्फ क्रिएटिनिन ही ना चेक कराएं, हम एस्टिमेटेड जीएफआर जरूर कैलकुलेट करवा के. देयर आर वेरियस वेज टू डू दैट, इवन एक कुछ फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं और लैब में भी टेस्टिंग होती है एस्टिमेटेड जीएफआर की. और इसमें सर आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि हमें यूरिन में भी अक्सर लैब यूरिन रूटीन टेस्ट करती हैं, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट नहीं करती हैं और यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो भी टेस्ट नहीं करती हैं. और जितने भी पैकेजेस बने हुए हैं जो बहुत सस्ते में लोग करा लेते हैं उनमें दोनों टेस्ट इंक्लूडेड नहीं होते, नहीं होते, तो वो बार बार करते रहते हैं रिपीटेडली बट दे हैव नेवर एक्चुअली चेक की उनकी किडनी में क्या असर हो रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल में एक बार अपना यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन आप जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि उसके बिना ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. और खाली क्रिएटिनिन पे डिपेंड करेंगे या ईजीएफआर पे डिपेंड करेंगे तो हम बहुत लेट हो जाते हैं, जब तक कि कुछ करने के लिए नहीं बचता है. राइट, एंड एक तरह से रिलेटेड सवाल ये आया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टेज कौन सा है. आपने स्टेज के बारे में बात किया, तो सीकेडी के स्टेज कौन सा है? देखिए सीकेडी के स्टेज जो है वो ही हमारे एस्टिमेटेड जीएफआर की वैल्यू के बेस पे ही हम लोग उसको डिवाइड करते हैं. एक स्टेज होती है स्टेज वन सीकेडी, लाइक डॉक्टर अमित सेड कि हम लोग अगर क्रिएटिनिन वैल्यू करते रहेंगे और एस्टिमेटेड जीएफआर करते रहेंगे. एक फर्स्ट स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें एस्टिमेटेड जीएफआर हमारा बिल्कुल नॉर्मल होता है, 90 के ऊपर होता है, लेकिन कुछ सर्टन स्ट्रक्चरल या बायोकेमिकल चेंजेस हमारे को मिलते हैं, जैसे यूरिन में प्रोटीन मिल रहा है या यूरिन में कई बार अगर हम नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज की बात करें तो ब्लड में यूरिन में ब्लड मिल रहा है. और कई स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलते हैं हमारे को अल्ट्रासाउंड में, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस में जिसमें कि यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन वगैरह सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन किडनी में सिस्ट वगैरह होते हैं. उसके बाद आती है स्टेज टू किडनी डिजीज जिसमें कि एस्टिमेटेड जीएफआर हमारा 60-90 के बीच में होता है. स्टेज थ्री जो होता है उसमें 30-60 के बीच में होता है. स्टेज फोर में 15-30 के बीच में होता है. और स्टेज फाइव में 15 से नीचे हो जाता है एस्टिमेटेड जीएफआर. और स्टेज 5D एक जो होता है जो डायलिसिस डिपेंडेंसी, उसमें जीएफआर इज लेस देन 5. सो ये हमारी डिफरेंट स्टेजिंग है. दिस इज मोर ऑफ एकेडमिक स्टेजिंग. सो ये हम उसको क्लासिफाई करने के लिए कि भाई आप कौन सी स्टेज, बिकॉज हर स्टेज के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. स्टेज टू में जो है अर्ली स्टेजेस में बोन डिजीजेस शुरू हो जाती हैं. स्टेज थ्री में जैसे बताया था मैंने आपको एनीमिया वगैरह ज्यादा डेवलप होने लगता है. स्टेज फाइव तक आते आते सिम्टम्स ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, जैसे भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना या वॉमिटिंग की फीलिंग होना. और स्टेज फाइव में कई बार इतनी सिवियर डिजीज में कई बार पेशेंट्स बेहोशी की हालत में पहुंचते हैं, या एक चीज होती है हार्ट की झिल्ली जिसमें जिसका इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डाइटिस जिसको हम कहते हैं उसमें आते हैं, फ्लूइड ओवरलोड में आते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस सिम्टम्स से रिलेटेड इस तरह से होती है जी.
एक क्वेश्चन आया है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम था जब किडनी फेलियर हुआ था, आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांट भी मेरा हाई बीपी स्टेबल नहीं होता, मेडिसिन लेने के बाद भी स्टेबल नहीं होता, एनी सजेशंस? कई बार पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में वी हैव सीन बिकॉज ऑफ द ग्राफ्ट इटसेल्फ, बिकॉज जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो ही कई बार इस तरह से रिएक्शन करती है कि ब्लड प्रेशर्स को वो कंट्रोल नहीं करती है, करने देती. सो एक्चुअली ही वुड नीड अ फुल डिटेल्ड इवैल्यूएशन. उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो आपके लोकल नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके संपर्क में रहें, थोड़ा उनसे इवैल्यूएशन वगैरह करवाएं. क्योंकि जैसे आपने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है ये कि मेरे को हाइपरटेंशन था जब किडनी डिजीज जब मेरी डिटेक्ट हुई, और उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद भी मेरा अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा है. राइट. सो रीनल फंक्शंस इन सच सर्कमस्टेंसेस आर इंपॉर्टेंट. राइट. आई थिंक देयर आर अ कपल ऑफ अदर ऑन Zoom आल्सो, देयर आर कपल ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, सो वी विल स्किप दैट एज वेल. Because it's about very, very specific medication levels. Let's talk about steroids and diabetes. Dr. Amit, can you explain ki steroids se diabetes kyun hota hai aur kya hota hai? Aajkal khaskar logon ko awareness badh gayi hai isme kyunki COVID ke cases hue hain jo. देखिए, इसमें ये दो चीजें समझने की जरूरत है कि अगर आपको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है तो जब भी हम स्टीरॉइड्स देते हैं तो स्टीरॉइड्स में मोस्टली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम करने का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि वो ग्लूकोज प्रोडक्शन को, लीवर से ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, वो अदर रिसेप्टर साइट्स पे एक्ट करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं. तो जब इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं तो आपका शुगर जो है वो राइज करने लगता है, शूट करने लगता है. जब भी आपको शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड थेरेपी दी जा रही है या आपको प्लान स्टीरॉयड थेरेपी दी जा रही है तो ऐसे में ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन या एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. मोर फ्रीक्वेंटली आपको अपना शुगर मॉनिटर करना चाहिए. कई बार स्टीरॉयड थेरेपी के दौरान हम इंसुलिन ट्रीटमेंट को ही प्रिफर करते हैं क्योंकि वो वेरिएशन या फ्लक्चुएशन जो है उनको इंसुलिन से काउंटर करना ज्यादा अच्छे तरीके से पॉसिबल होता है. OHAs से वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो ये रीजन है. दूसरा, स्टीरॉयड इंड्यूस्ड जो डायबिटीज है उसके लिए भी एक सबस्टेट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी नॉर्मल इंसान को जिसको कोई भी अगर डायबिटीज का रिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, कोई ओबेसिटी है, किसी को ऑलरेडी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, डायबिटीज नहीं है लेकिन फास्टिंग शुगर देखते हैं तो 100 से ज्यादा आता है लेकिन 126 से कम आता है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर स्टीरॉयड देते हैं तो दे में जंप द लाइन, तो वो लाइन क्रॉस करके प्री डायबिटीज से डायबिटीज की फेज में कई बार चले जाते हैं. तो हमें ऐसे पेशेंट्स में अगर ऑलरेडी ग्लूकोज इंटॉलरेंस की हिस्ट्री है, ओबेसिटी की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, फैमिली की हिस्ट्री है, तो जब भी हम स्टीरॉइड्स देते हैं, स्टीरॉइड्स अगर मेडिकली इंडिकेटेड है तो वो किसी ना किसी वैलिड मेडिकल रीजन के लिए ही दिए जा रहे हैं. तो अगर हमें लेने भी पड़ रहे हैं तो फिर हमें मॉनिटरिंग की जरूरत है. तो अदरवाइज खाली स्टीरॉयड देने से अगर किसी को डायबिटीज का रिस्क नहीं है, प्री डायबिटीज का रिस्क नहीं है, शॉर्ट टर्म स्टीरॉयड हमने दिए हैं चाहे वो कोविड में दिए हैं, तो उससे डायबिटीज हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है. अगर हाँ, बट जो लॉन्ग टर्म यूसेज होता है कई बार और कंडीशंस में, जैसे किसी को एस्मा वगैरह है तो यूसेज में, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू टेक इट फॉर इयर्स, द बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस इस तरीके से होने लगते हैं कि देन यू आर ससेप्टेबल टू डायबिटीज. राइट राइट. एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर समीर, किडनी स्टोन्स भी क्या किडनी खराब होने की निशानी है? नहीं, किडनी स्टोन्स किडनी खराब होने की निशानी नहीं है, लेकिन अगर आपके स्टोन्स रिपीटेडली बन रहे हैं या बहुत बड़ा स्टोन है जो रुकावट कर रहा है, वो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि किडनी को खराब कर सकती हैं. कई कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बताई, उस कंडीशन में स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होती है, या कई एक कंडीशंस होती है मेडुलरी नेफ्रोकैल्सिनोसिस, दोज आर इनहेरिटेड कंडीशंस जिनमें की किडनी में स्टोन फॉर्मेशन, कंक्रीशन फॉर्मेशंस बढ़ जाती हैं. बट एक या दो स्टोन फॉर्मेशन विल नॉट लीड टू किडनी डिजीज, अनलेस वो स्टोन्स बहुत बड़े हो जाएं, वो ऑब्स्ट्रक्ट करें यूरिन फ्लोज में, यूरिन के पैसेज में कुछ गड़बड़ करें, वो चीज किडनी खराब होने में वो बढ़ा सकती है उस चीज को. जी.
एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो इफ इट्स टू स्पेसिफिक, यू ऑल कैन टेल मी नो. मदर एज 79, क्रिएटिनिन सीरम 1.13 H, व्हाट डज इट मीन, एनी मेडिसिन रिक्वायर्ड? आई थिंक इट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड unless and until somebody sees the patient, nobody can answer that question. Right. अपर्णा जी, मैं ना दो पॉइंट्स अगर हमने टच नहीं किए तो आई थिंक वो इनकम्प्लीट रह जाएंगे. एक तो किडनी डिजीज होते ही लोग सर इंडिजीनियस ड्रग्स की तरफ भागने लगते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयां, देसी दवाइयां, बहुत कुछ करने लगते हैं, और दूसरा प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देते हैं. तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स अगर एक बार हम क्लैरिफाई कर देंगे तो हमारी ऑडियंस के लिए इट वुड बी राइट. यू आर राइट. जैसे मैंने कई बार बोला था, इंडिजिनस मेडिकेशंस या कई पेन किलर्स वगैरह होती हैं, सर्टेन डाइज आर देयर व्हिच कैन डैमेज इवन अ नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज कैन बी डैमेज्ड बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स. तो ऑलरेडी अगर हमारी डिजीज किडनी है, डैमेज्ड किडनी है, तो उसमें जो डैमेज है वो कई गुना फास्ट हो जाता है. और कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स जाते हैं इन सब चीजों के लिए और वो बहुत जल्दी डायलिसिस पे आ जाते हैं. अगर हम उस चीज को 4-5 साल तक हम प्रिवेंट करने की संभावना रख सकते थे, तो वो 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर ही उन चीजों की वजह से डायलिसिस पे आ जाते हैं. दूसरा वैलिड पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिया है डॉक्टर अमित ने, विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्लैरिफाई, कि प्रोटीन इनटेक को बंद नहीं करना है. प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन मतलब क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, बट बिल्कुल बंद नहीं करना है. इनफैक्ट हम जो नॉर्मल इंडियन जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो उतना भी नहीं होता है जितना हमारा नॉर्मल डाइटरी रिकमेंडेशन है. इनफैक्ट आप कल आजकल हर टीवी पे आपने एड देखा होगा अक्षय कुमार का, जिसमें वो कहता है कि आपको अपने वेट के अकॉर्डिंगली ही आपको उतने ग्राम प्रोटीन लेना है. Obviously, that is for a normal person. For a person who has got a kidney disease, उनको थोड़ा comparatively कम लेना होता है. उनको roughly approximately 0.8 grams. यानी अगर आपका वजन 80 किलो है, तो आपको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए. उसमें हमारा अगर हम अपनी नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन डाइट देखें, तो हम नॉर्मल एक दिन में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन नहीं खाते हैं. वो भी मैं 20 से 25 ग्राम उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दिन में शायद एक अंडा खा लेते होंगे. तो अगर जो अंडे नहीं भी खाते हैं, तो उनका वेजिटेरियन डाइट में तो हमारा 10, 15 या 18 ग्राम प्रोटीन ही जा रहा है. अगर हम उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इनटेक बहुत कम हो जाएगा. ऑब्वियसली हमारा बॉडी का मसल मास कम हो जाएगा. हमारा जो क्रिएटिनिन पहले 1.8 चल रहा था, वो घट के जरूर 1.1-1.2 पे आ जाएगा. पेशेंट बहुत खुश आएगा कि मैंने अपना डायलिसिस, मैंने अपना क्रिएटिनिन कंट्रोल कर लिया. बट वो एक फॉल्स इंडिकेटर है, बिकॉज जैसे जैसे उनका इनटेक कम होता जाएगा, वो वीक होते जाएंगे, मैल न्यूट्रिशन बढ़ता जाएगा. तो बाय द टाइम दे रीच टू अ स्टेज वेयर दे रिक्वायर डायलिसिस, दे बिकम वेरी वीक. एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल बिकॉज ऑफ देयर मैल न्यूट्रिशन ये डायलिसिस पे भी बहुत अच्छे तरह से नहीं सस्टेन कर पाते हैं. I think I also want to ask the counter question, क्योंकि आजकल कीटो और हाई प्रोटीन डाइट भी काफी पॉपुलर हो गई है, और यंगस्टर्स ये प्रोटीन शेक्स वगैरह भी काफी लेते हैं, स्टेरॉइड्स भी लेते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए, तो उसका क्या असर होता है? वेरी हाई प्रोटीन डाइट, steroids obviously have a damaging effect on the kidney, because jitna protein load hum uske upar dalenge wo utna hi hyper functioning hoga, aur uske wajah se dheere dheere jo baki ke functioning nephron, jaise Dr. Amit ne bola ki LED bulb, I would like to explain it on that this thing. Yes. wo bahut acha example hai ki bhai agar hum LED bulb mein agar hum usme zyada wattage de denge to wo zyada wattage se bhi fuse ho jayega. So that is a very good example. जिसमें I have taken this example from Dr. Amit. Very nice example. तो वही चीज है कि अगर हम उसके ऊपर protein load डालेंगे, तो वो धीरे धीरे जो nephrons हैं, वो glomerulosclerosis जिसको हम कहते हैं, वो चीज बढ़ती जाएगी, and that can have a damaging effect on the kidney. Excess of anything is bad. हर चीज की अति खराब है. Right. And one question that has come, you know,
I have diabetes and I'm approaching menopause, so that's impacting my diabetes also. What should I do, Dr. Amit? I think आप अपना HbA1c check करिए, आप अपना sugar monitor करिए and see कि what impact exactly is happening. Hormonal changes can always throw things out of gear sometimes, or sometimes you may find that your sugar level has improved. There are many things which can happen, right? So अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप एक बार अपना शुगर लेवल जरूर मॉनिटर करिए, बिकॉज ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि मेनोपॉज में कोई हमें अलग से चेंज करना है, बट वंस somebody is approaching मेनोपॉज तो उसके बाद वी नीड टू एड सम टाइम कैल्शियम, वी नीड टू सी द इनटेक ऑफ विटामिन डी, न्यूट्रिशन जो है वो हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, एंड समटाइम्स देयर आर अदर सिम्टम्स व्हिच मे अपीयर लाइक पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम लाइक, तो ऑल्सो थ्रू द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज आउट ऑफ केयर. तो कई बार वो जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम है उसको स्ट्रेस है, तो दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन शुगर लेवल एज वेल, तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल, यू हैव टू चेक इट रेगुलरली, दैट इज ऑल आई वुड से. राइट, वन क्वेश्चन ऑन, इज देयर अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ बीपी दैट शुड बी मेंटेन्ड फॉर डायलिसिस पेशेंट्स? प्लीज टेल द नॉर्मल लेवल ऑफ बीपी इन अ डायलिसिस पेशेंट, ये क्वेश्चन आया है. राइट, सी I would like to begin कि अगर हम जब हम diabetic kidney disease होती है, so हम लोग recommend ये करते हैं कि जो blood pressures हैं, your target blood pressures should be around 130/80. But if you have proteinuria along with that, your target blood pressures should be about 125/75. So a dialysis patient who is a diabetic who has got proteinuria, their ideal targeted blood pressure should be around 125/75 or 130/80. So that is what their target should be. Right. One question that's come, how does one know if we are pre-diabetic? See, there are many ways to know that. Agar, for example, there is a well-defined definition of pre-diabetes. If you have a fasting blood glucose, which is between more than 100 and less than 126, then it is called impaired fasting glucose. And if you take a random blood glucose, and that random blood glucose is more than 140 but less than 200, that is impaired glucose tolerance. So you, even if you have impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance, or if your HbA1c is more than 5.7, but it is less than 6.5, right? Then we classify all these patients as pre-diabetes, and the risk of developing diabetes is very high. Right. In these categories. One question which is very vague, is kidney transplant good? Yes, definitely. See, because dialysis, जिसको हम कहते हैं, वो एक maintenance therapy है. Maintenance therapy का ये मतलब है कि जो काम kidney नहीं कर पा रही, वो machine कर रही है. But जो एक definitive treatment है, वो kidney transplant ही है. Kidney transplant जो है, वो आपको एक normal lifestyle दे सकता है. Obviously, with certain modifications, जिसको कहना चाहिए new norms. जो आजकल हम कोविड में भी बात कर रहे हैं कि नाउ दिस इज द न्यू नॉर्म, सो ट्रांसप्लांट में भी आपको एक नियर नॉर्मल लाइफ मिलती है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बट एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रांसप्लांट ही है. राइट, आई थिंक वी आर रीचिंग द एंड, वी डोंट हैव एनी पेंडिंग क्वेश्चन, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन, कैन persons with kidney disease or transplant take the vaccines for COVID? I think they should. Sir, please. They should definitely take, because these are not live vaccines. They are attenuated. They're not live vaccines. So transplant wale patients bhi isko le sakte hain. So both of them, is it? They can take the mRNA as well as the other one. Yes. Okay. All right. Any other final points, doctor, for the audience before we close? I would just like to say that ki diabetes, blood pressure, cholesterol, ये सब आप मॉनिटर करिए, कि बिना सिम्टम्स के सिर्फ इस फीलिंग पे मत जाइए कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो सब कुछ अच्छा है. आप इनको रेगुलर चेक नहीं करेंगे तो आपको ये चीजें धोखा देंगी, लास्ट में आपको पता नहीं चलेगा, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल.
दूसरी चीज ये है कि अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को नियमित रखें, नॉर्मल रखें, तो हम डायबिटिक किडनी डिजीज से बच सकते हैं। हम आने वाली इस, ये सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को, बिल्कुल लाइफ को ना केवल कॉम्प्रोमाइज करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, बहुत सारे लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ का ही इश्यू इसमें आने लगता है कि आप अपनी लाइफ की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हुआ, आपने दो दिन में स्टेंट डलाया, अगेन यू आर बैक। MIB हो गया, एंड सपोज यू आर लकी एनफ टू रीच द हॉस्पिटल, यू कैन बी बैक टू नॉर्मल बाय डे 3 डे 4। लेकिन वंस यू एंड अप विद अ किडनी डिजीज, देन आपको उसका कोई वे आउट नहीं है। इधर यू गो फॉर द डायलिसिस और यू ऑप्ट फॉर रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और यू सिंपली गो डाउन टू लाइफ। So only these three steps are there. So I request you to please monitor your sugar levels, blood pressure levels, cholesterol levels. Keep getting yourself checked and keep all these things in control so that you can avoid complications of diabetic kidney disease. Right. Diabetes, blood pressure, cholesterol, like Dr. Amit said, they are silent killers. ये अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और बहुत लेटर स्टेजेस में ही इसकी इम्प्लीकेशंस सामने आती हैं। सो अगर जैसे आपको अगर डायबिटीज है या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटिक किडनी डिजीज है, तो आपको बहुत रेगुलरली अपने सारे इवैल्यूएशंस करवाते रहना चाहिए, जिसमें जो सारा इवैल्यूएशन जो एक हेल्थ पैकेज में होता है वो सारा आपको एक बार कराते रहना चाहिए रेगुलरली, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इफ यू स्टिल हैव नॉट डेवलप्ड डायबिटीज। बट अगर आपको डायबिटीज डेवलप हो गई है तो और थोड़ा फ्रीक्वेंटली कराना पड़ेगा आपको। सो उन और जो इतनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सबको कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर एक्चुअली इन क्रॉनिक डिजीजेस। Okay, thank you doctor. Let me quickly just share the contact information. So thank you both Dr. Sameer and Dr. Amit for joining us and answering so many questions, and you know, it's really been a very useful and informative session, and we'd like to thank Biocon for supporting this initiative as well. So for people who want to contact Dr. Sameer and Dr. Amit, as I said, Dr. Sameer is at St. Stephen's Hospital as well as at Apollo Hospital, Noida. And he can be contacted at sameer_tawakle@yahoo.com. And his number is there. Plus also you can go to the hospital websites. Dr. Amit Gupta can be contacted at care@centerfordiabetes.com. And again, on the website, you will find the appointment number as well. So again, thank you for taking the time to answer the questions, and thank you to the audience for you know, being interested in managing your own health. So thank you Aparna ji, thank you Dr. Sameer sir, thank you Dr. Amit, and thank you Aparna ma'am. It was good interactive session. Thank you so much. Thank you for your time.